Good morning, students. You are welcome in RC Education Hub. Today we'll talk about seed. आज हम बात करने वाले हैं seed के बारे में. कि seed होते क्या है, किस तरीके से form होते हैं, structure and kinds also. Seed क्या होते हैं? Mature, fertilized ovule. Is known as seed. कोई ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल्स पाए जा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हुआ है. फर्टिलाइजेशन के बाद में जो है ओव्यूल किसके अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं? सीड के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं. आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू सीड एंड ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट. बेसिकली देयर आर द स्टडी ऑफ सीड इज नोन एज स्पर्मोलॉजी. द स्टडी ऑफ सीड इज नोन एज स्पर्मोलॉजी. और the branch of science which is dealing with the study of seed is known as spermology. Matured fertilized ovule is known as seed and the branch of science which is dealing with the study of seed is known as spermology. Now we'll talk about types of seeds. Basically जो है nature के अंदर जितने भी seeds पाए जाते हैं angiospermic plants के अंदर जितने भी seeds form हो रहे हैं उनको दो types में divide कर रखा है. They are divided into two types or differentiated into two kinds. Number one is dicot seed and number second is monocot seeds. Number one is dicot seeds and number second is monocot seeds. जैसे कोई भी seed है उसके अंदर अगर एक cotyledon पाया जा रहा है then these are known as monocot seeds. अगर seeds के अंदर दो cotyledons पाए जा रहे हैं then the seeds are known as dicot seeds. Okay, so we can say these are differentiated on the basis of cotyledons. ये cotyledon के यहाँ पे जो है differentiate कर रखा है. Cotyledons जो है एक है मोनो, दो है डायकोट. मोनो के एग्जाम्पल्स हैं लाइक बाजरा, गेहूं, इसके अलावा चावल और ये मक्का. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकोट्स. और डायकोट के एग्जाम्पल हैं लाइक मस्टर्ड, इसके अलावा पी, ग्राम, जितनी पल्सेज हैं सारी पल्सेज किसके अंदर आती हैं? डायकोट के अंदर. तो अब अपन इनको आगे चलते फिर से डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म. सीड के अंदर जो फूड रिजर्व होता है, रिजर्व फूड जो है वो एक अलग ही फॉर्म के अंदर स्टोर होता है एंड दैट फॉर्म इज नोन एज एंडोस्पर्म. इन द डिटेल विल टॉक इन द क्लास 12th के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि एंडोस्पर्म होती क्या है, किस तरीके से फॉर्म होती है. बट फॉर काइंड इंफॉर्मेशन यू हैव टू नो दैट व्हाट इज एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म इज अ काइंड ऑफ स्टोर्ड फूड. एंडोस्पर्म जो है एक काइंड से जो है stored food which is found in seed. So on the basis of endosperm the monocots and dicots are further divided into two kinds. So first of all we'll talk about dicot. Dicot jo hai aage chalkar on the behalf of endosperm these are divided into two types. Number one is endospermic dicot seeds and number second is non endospermic dicot seeds. Endospermic dicot seeds to kya hote hain ki aise seeds जिनके अंदर फूड इज रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म. द फूड इज रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म एंड द एग्जांपल्स आर कैस्टर. आपने कभी अरंडी की सीड देखी हो या फिर कैस्टर की सीड देखी हो, उसको आप कभी दबा के देखना, प्रेस करके देखना, एक ऑयल सा निकलेगा, ऑयली सब्सटेंस निकलेगा एंड दैट ऑयली सब्सटेंस इज व्हाट दैट इज एंडोस्पर्म. ऑलराइट, एंडोस्पर्मिक सीड को एल्बुमिनस सीड भी बोलते हैं. एंडोस्पर्मिक सीड्स आर ऑल्सो नोन एज एल्बुमिनस सीड्स. एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स क्या होते हैं कि ऐसे सीड्स जिनके अंदर फूड जो है एंडोस्पर्म की फॉर्म के अंदर स्टोर्ड नहीं होता है. द सीड्स इन विच फूड इज नॉट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म द सीड्स आर नोन एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज नॉन एल्बुमिनस सीड्स. इन सीड्स को जो है नॉन एल्बुमिनस सीड्स भी बोलते हैं. एग्जाम्पल्स आर पी एंड ग्राम. पी और ग्राम जो इसके एग्जाम्पल है इनके अंदर एंडोस्पर्म की फॉर्म के अंदर फूड स्टोर्ड नहीं होता है. फर्दर आगे चलते हैं अपन बात करते हैं मोनोकोट सीड्स की. मोनोकोट सीड्स जो है ये भी एंडोस्पर्म के बिहाफ पे दो टाइप के अंदर डिवाइड कर रखे हैं. नंबर वन इज एंडोस्पर्मिक मोनोकोट सीड्स एंड नंबर सेकेंड इज नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकोट सीड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट एंडोस्पर्मिक सीड्स. What are endospermic seeds? The seeds which are containing food in the form of endosperm.
ऐसे मोनोकोट सीड जिनके अंदर फूड जो है एंडोस्पर्म के फॉर्म के अंदर स्टोर हो रहा है, द मोनोकोट सीड्स आर नोन एज एंडोस्पर्मिक मोनोकोट सीड्स, दीज आर ऑल्सो नोन एज एल्बुमिनस सीड्स. एग्जाम्पल्स आर वीट एंड राइस, एग्जाम्पल्स आर वीट एंड राइस, वीट लिटिकम एस्टिवम एंड राइस ओराइजा सटाइवा. ओके, नोन एंडोस्पर्मिक सीड्स मतलब कि जिनके अंदर फूड एंडोस्पर्म के फॉर्म के अंदर स्टोर्ड नहीं है. एग्जाम्पल इज ऑर्किड. इसके बाद वाला जो लेक्चर है, इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट एंड डायकोट सीड. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट आर द सीड्स, व्हाट इज द स्टडी ऑफ सीड एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ सीड्स. The mature fertilized ovule is known as seed. The study is known as spermology. There are two kinds, monocots and dicots. Monocots and dicots further divided on the basis of endosperm. If they have endosperm, endospermic. If they haven't endosperm, these are known as non-endospermic seed. Okay. Thanks. Have a nice day.